तो उसी विंच प्लेट के ऊपर डॉक्टर नैनो की 12,000 LBS की विंच लगी हुई है, ऑल वेदर विंच। तो पीछे की साइड पे भी एसी है ना? हाँ, पीछे भी एक कंडेंसर लगा हुआ है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया से होंगे। तो भाई अगर आपने लास्ट वीडियो देखी ना, तो उसमें मैंने आपको दिखाई थी एक हैवीली मॉडिफाइड जिप्सी, बट जो अगली गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका नाम है मॉन्स्टर। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका नाम मॉन्स्टर क्यों है, क्योंकि इसकी लुक ही पूरी मॉन्स्टर वाली है। तो ये है भाई बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड जिप्सी, और जो नाम है ना इसका मॉन्स्टर जिप्सी, तो वो पूरा का पूरा इस पर सूट हो रहा है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन जो करवाई हैं वो एकदम मॉन्स्टर लेवल की करवाई हैं। तो चलो भाई थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं सबसे पहले गाड़ी का। तो भाई फर्स्ट लुक ले लो कि भाई कितनी ज़्यादा इसमें लाइट्स लगी हैं, रोल बार लगा हुआ है, देन उसके बाद स्नॉकल लगा हुआ है। फ्रंट में जो इसकी लुक है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बनाई हुई है। इसकी जो ग्रिल है वो भी एकदम चेंज है। जो कस्टम बम्पर लगा है उसी में आपको ऑक्सिलरी लाइट्स नज़र आ जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्टर नैनो की विंच भी नज़र आ जाएगी। अब सबसे पहले आपको भैया से मिलवाते हैं जिन्होंने ये गाड़ी बनाई है। तो भैया क्या हाल चाल है जी? वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जी। थैंक यू। तो कितना टाइम लगा इस गाड़ी को बनने के लिए, सबसे पहले ये बताओ? भाई ये चार मॉडल है एक्स आर्मी, ओरिजिनल को हमने प्रॉपर ऐसे आपके सामने मॉडिफाई किया। इसको तकरीबन 9 महीने 1 साल लग जाता है ऐसी गाड़ी पूरी मॉडिफाई करना। अच्छा, तो भाई मॉडिफिकेशन इतनी ज़्यादा हुई है कि इतना टाइम लग ही जाता है? बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे हम काम करते गए हार्ड टॉप बनता गया, तो कस्टमर की डिमांड आ गई नहीं हमें रोल केज भी चाहिए। हाँ। रोल केज बना तो कहते नहीं हमें कैरियर भी चाहिए। तो यही चीज़ें फिर टाइम ऐड ऑन होता रहता है। अगर आपका एक एग्जैक्ट लुकिंग है, एग्जैक्ट बजट है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट लुक की। तो भाई फ्रंट से ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस गाड़ी को बनाया गया है। सबसे पहले देखो, जो आप इसका बोनेट चेक करोगे तो उसके ऊपर यहाँ पे बड़ा बड़ा मॉन्स्टर एम्बॉस्ड है। तो भाई ये नाम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट भी कर रहा है, क्योंकि ये गाड़ी मॉन्स्टर की तरह ही दिख रही है। तो ये देखो भाई यहाँ पे लगी है इसकी एक एग्रेसिव ग्रिल, तो जिप्सी में ये वाली ग्रिल काफ़ी अच्छी लगती है। और साथ ही साथ यहाँ पे लगाई हुई है इसकी हेडलाइट्स, तो हेडलाइट्स काफ़ी अच्छी है, ऑल LED सेटअप है। और जो रिंग आ रही है इसमें कलर्स चेंज होते हैं। हाँ, ये हमने इंडिकेटर चलाया ना, तो DL के साथ दोनों कॉम्बिनेशन चलता है। ओके, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। देन यहाँ पे लगा हुआ है इसका कस्टम बम्पर। तो ये बम्पर आपने किसी कंपनी का लगाया या खुद से बनाया? हम किसी कंपनी का नहीं मंगाते, ये हमारा खुद ही A to Z कम्प्लीटली खुद ही मॉडिफाइड बम्पर। ओके। जो कि हमने विंच के साथ देखते 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 इसकी शैकल असेंबली, इसके टायर, तो उस हिसाब से इसका हमने ज़्यादा अग्रेसिव करते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। तो भाई जो फ्रंट बम्पर जो आपका आ रहा है ये मेटल बम्पर है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके ऊपर कस्टम विंच प्लेट लगी हुई है। तो उसी विंच प्लेट के ऊपर डॉक्टर नैनो की 12,000 LBS की विंच लगी हुई है, ऑल वेदर विंच। और जो रोप लगी है इसमें ये सिंथेटिक रोप है, मेटेलिक रोप आती है उसमें थोड़े इश्यूज आते हैं। मेटल रोप में दो इश्यूज बहुत मेजर होते हैं, जब हम गाड़ी खींच लेते हैं ना तो उसकी जो वायर्स होती है ना वो फिर हाथ में कट डालती है। सेकंड थिंग, जब वो टूटती है ना तो वो प्रीवियस में या सामने वाले का नुकसान जरूर करती है। बट इसीलिए सिंथेटिक बनी है ताकि दोनों में से किसी गाड़ी का भी नुकसान ना हो, और जहाँ पर टूटे वहीं पर ही रह जाए, फैले ना, इसीलिए ये सिंथेटिक होता है। भाई एकदम ऑफ रोड रेडी है ये गाड़ी। दो बम्पर के ऊपर यहाँ पे बुल बार लगाए हुए हैं, और बुल बार पे ही आपको दिखेंगे कि यहाँ पे ऑक्स लाइट लगाने की भी जगह है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी बढ़िया ऑक्सिलरी लाइट्स, LED लाइट्स यहाँ पे लगाई हैं। देन बम्पर में ही आपको हेला की फॉग लैम्प्स तो नहीं, प्रोजेक्टर लैम्प्स लगाई हैं, ऐसे फॉग लैम्प्स की तरह इनको यूज़ कर रहे हैं, बट है ये प्रोजेक्टर लैम्प्स ही। ये आगे इसके इंडिकेटर्स। सो फ्रंट में बम्पर है उसकी लुक कुछ इस तरीके से है। देन अगर आप बोनट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी लाइट्स मिल जाएंगी। तो ये डॉट से अप्रूव्ड है ना? हाँ, बिल्कुल, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो ये डॉट से की लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, तो ये कवर निकल जाता है अगर आपको वाइट लाइट सबमिट करनी है। ये वैसे ही काम करती है HID जैसे। HID कवर निकल जाएगा तो ये बिल्कुल ही ब्लास्ट कर देंगी। अगर कवर रहेगा तो ये हमारे स्नो के लिए या फिर हम ओस पड़ जाती तो उसके लिए वेरीफाई। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे साइड पे लगा है जी स्नॉकल। तो स्नॉकल एक तो काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस किया हुआ है, और साथ ही साथ इस गाड़ी में कुछ इन्होंने शेडिंग की हुई है कि भाई वाइट ब्लैक और ग्रीन। बिल्कुल, वाइट ब्लैक और ग्रीन,
ये तीन शेड से ही पूरी गाड़ी का। तो हाँ, तो जैसे कि दिख ही रहा है हमें कि यहाँ पे स्नॉकल के ऊपर भी ग्रीन शेडिंग की हुई है। देन ये आपको दिखा दी ऑक्स लाइट, तो यहाँ पे भाई रोल बार लगा हुआ है, जो विंडस्क्रीन है आपकी उसके ऊपर यहाँ पे रोल बार लगा हुआ है, और रोल बार के ऊपर यहाँ पे हमर लाइट्स भी लगाई हुई है। ये ओरिजिनल ब्रैंडलर हमर लाइट्स ही है जो हमने पांच प्लेस की हुई है। स्नॉकल के साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई ओरिजिनल रैंगलर जैसा ही मिरर, तो काफी ज्यादा वाइड है। और सबसे अच्छी बात यह कि इसके ऊपर भी यहाँ पे LEDs लगी हैं, तो जैसे टर्न इंडिकेटर का काम करते हैं तो ये भी सारे टर्न इंडिकेटर्स का काम करते हैं। और एक और चीज बहुत ही ज्यादा यूनिक है इस मिरर में कि मिरर के अंदर यहाँ पे भी आपको LED लाइट्स मिल रही है, तो ये फीचर काफी ज्यादा यूनिक है भाई। साथ ही साथ यहाँ पे स्नॉकल के नीचे अगर आपको यहाँ पे ये आर्चेस दिख रही हैं, तो ये है 6 इंच फ्लैट आर्चेस, तो ये आर्चेस काफी सही लग रही है, पीछे की साइड पे भी लगी हुई है और टायर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो टायर कौन सा लगाया हुआ है इस पे? इसके अंदर 235 के कंपोजर टायर्स है MT में। ओके, 31/10/50 R15 प्रोफाइल के टायर्स है MT में, कंपोजर के टायर है, बहुत बढ़िया है, इनकी माइलेज बहुत अच्छी है। तो देख सकते हो आपकी भाई टायर्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, कंफोजर के टायर्स लगे हैं। जो मॉडल है इसका CF3000 है और जो साइज़ है 31/10.5/R15 के टायर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे ऑफ रोड रिम्स लगे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मैनुअल हब्स भी लगे हुए हैं। तो गाड़ी को आपने लिफ्ट भी करवाया हुआ? हाँ, इसके अंदर जैसे हमने 2 इंच की देख रहे हैं ना सारे सेटअप, तो ये व्हीकल में हमारी 4 इंच लिफ्टेड है नाइट्रॉस गैस के शॉकर के साथ, बहुत कंफर्टेबल है। ओके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर वाली साइड ये रेड कलर के आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये नाइट्रॉस गैस शॉकर्स हैं। हाँ, 4 इंच लिफ्ट के साथ 4 इंच कंपैटिबल। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे ये 4 इंच के शैकल्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, और गैस शॉक्स तो भैया ने दिखा दिया कि वो काफी ज्यादा, देखो गाड़ी की लिफ्ट भी हो चुकी है और गाड़ी अच्छी भी लग रही है। कुछ गाड़ियां होती हैं कि ज्यादा लिफ्ट करवा के भी कभी कभी अच्छी नहीं लगती, तो इसके साथ टायर्स अच्छे लगे हुए हैं जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरी गाड़ी को। तो इस गाड़ी को इन्होंने कस्टम हार्ड टॉप बनाया हुआ है इस गाड़ी के साथ, तो काफी अच्छा लग रहा है। नीचे व्हाइट कलर की गाड़ी है, ऊपर ब्लैक कलर का हार्ड टॉप दिया हुआ, तो एक पैनल ही पूरा कम्प्लीटली चेंज हो गया, काफी अच्छा लग रहा है। सही है क्योंकि गाड़ी मेरे को देखने में ऐसा लग रहा है कि गाड़ी की लेंथ इंक्रीज्ड है या फिर उतनी है। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, सिर्फ ये मेटल हार्ड टॉप के कारण बढ़िया बहुत बना हुआ है, इसीलिए आपको ये आपको क्या हर कस्टमर देखो ना ऐसे देख के लग रहा है कि ये जिप्सी बहुत ही ज्यादा लंबी है, बट ऐसा नहीं है ना। नहीं नहीं बिल्कुल 100% ओरिजिनल। तो चलो सही है, और यहाँ पे पीछे मिरर्स दिए हुए हैं, इनको आप खोल सकते हो, तो पीछे भी एयरी फील होगा कोई, बट इस गाड़ी की का फायदा ये है कि इस गाड़ी में AC भी है। तो भाई इस गाड़ी में ट्विन AC आता है, तो भाई आगे तो AC है ही, लेकिन पीछे वाली साइड पे भी AC है, वो अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। तो भाई जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस गाड़ी में रोल बार भी लगा हुआ है, फ्रंट में रोल बार के ऊपर यहाँ पे हमर लाइट्स लगाई हुई हैं, ऊपर की साइड यहाँ पे रूफ कैरियर है, और कैरियर के ऊपर जो स्पेयर व्हील है उसको रखा हुआ है। इसमें ये चीज़ काफ़ी यूनिक है कि जो टायर है उसको ऊपर रखा है, और लुक जो है गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आ रही है। कुछ इसी तरीके से इस गाड़ी को मॉडिफाई करवाया हुआ है ताकि ये एकदम अलग दिखे। तो ये आ गई अभी इसकी जी रियर प्रोफाइल, तो रियर में आप देख रहे हैं कि ये आ गया इसका रियर डोर, कस्टम बम्पर, तो कस्टम बम्पर जो है वो मेटल बम्पर ही है, और यहाँ पे लगी हुई है इसकी टो हुक। और ये चीज़ चेक करो, जैसे कि ये डोर खुल रहा है पीछे वाला, तो ऊपर यहाँ पे ग्लास लगाया हुआ है, क्योंकि पूरी गाड़ी में AC आपको देखने को मिलता है। तो ये अगर आप, पता नहीं अभी आपको नजर आ रहा है कि नहीं, तो पीछे की जो सीट्स हैं उन तक भी AC के वेंट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो पीछे की साइड पे भी AC है ना। हाँ, पीछे भी ये कंडेंसर लगा हुआ है। अच्छा, कंडेंसर भी लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पीछे भी कूलिंग करेगा, जो एक कंप्रेसर है वो आगे भी मारेगा कंप्रेसर की कूलिंग, और पीछे भी करेगा, 2 पाइप के साथ ज्वाइंट है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयर ही ब्लो करेगा? नहीं नहीं नहीं, पूरी प्रॉपर AC की कूलिंग आएगी, पाइप नहीं है प्रॉपर अंदर। ओके, तो ये देखो यहाँ इसी साइड पे कहीं पे कंडेंसर लगा हुआ है, और साथ ही साथ ये एयर वेंट्स भी हैं, तो पूरी गाड़ी को कूल करेगा ये। ये नहीं है कि सिर्फ आगे से AC चल रहा है, पीछे वाली साइड पे भी AC चलेगा। कुछ इस तरीके से इस गाड़ी को डिजाइन किया हुआ है अंदर से, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ग्रास मैट यहाँ पे लगाया हुआ है। देन जो गाड़ी के अंदर अपोस्ट्री लगाई हुई है पूरी गाड़ी के रूफ पे, आप देख सकते हो, मैं कहूंगा कि ये छोटी बर्फी वाला डिजाइन है, क्योंकि ज्यादा बड़ी वाली बर्फी नहीं है, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। ब्लैक कलर में पूरा इंटीरियर बनाया है, अच्छा लग रहा है, गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। पीछे की लुक कुछ इस तरीके से दिखती है। सो जैसे फ्रंट में हमर लाइट्स लगी हुई है, तो बैक पे भी आप देख सकते हो रूफ कैरियर के ऊपर भी कुछ 2 लाइट्स लगी है, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस जिप्सी के ऊपर भी फार्म जैक लगा हुआ है, और प्लेसमेंट काफी ज्यादा बढ़िया है। कुछ लोग इसको यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे भी अच्छा लगता है, बट ये चीज काफी यूनिक है, और इस गाड़ी को देखो आप कितना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है, कुछ इस तरीके से दिख रही है साइड से।
तो फिलहाल आ चुके हैं अभी गाड़ी के अंदर। तो यार इंटीरियर की लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सीट्स की बात कर लेते हैं, तो एकदम प्रीमियम लेदर सीट्स यहाँ पे लगी हुई है, बीच में आर्मरेस्ट भी है। तो ये सीट्स कौन सी लगाई हैं? ये स्विफ्ट की सीट्स हैं। स्विफ्ट की सीट्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे की जो स्टेयरिंग व्हील है तो ये भी एकदम चेंज किया हुआ है पूरा, इसको रैली वाली स्टेयरिंग लगाई हुई है यहाँ पे। रैली का वो एमपी नेगेटिव ऑफसेट व्हील है। ओके, 13 इंचेस में। देन कुछ इस तरीके से दिखता है इसका डैशबोर्ड और जो स्पीडोमीटर है वो कुछ इस तरीके से। इसके अंदर भी लाइट्स जल रही हैं और साथ ही साथ ये आगे कुछ इसके स्विचेस आगे एलईडी के लिए आगे, देन उसके बाद बार लाइट के स्विचेस आगे, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ऑक्सिलरी लाइट्स बहुत ज्यादा लगी है। तो ये वाटरप्रूफ स्विचेस हैं सारे, वाटरप्रूफ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, तो बैटरी की वोल्टेज शो करते जा रहा है साथ में। हाँ, कितनी आपकी बैटरी है तो ये शो करता रहेगा। जो जो आप चीजें लाते रहोगे, जैसे हमने ये ऑक्सिलरी लाइट ऑन की, एसी ऑन किया, तो ऐसे ऐसे इसका डाउन आता रहेगा कि हमारी बैटरी कंज्यूम हो रही है यूनिट चार्जिंग। तो स्टार्ट करेंगे ये ऐसे ही आपकी चार्जिंग हाई होनी शुरू हो जाएगी। बाकी ये स्विचेस वही हैं, रोकर स्विच पैनल है, हमने जिप्सी के अंदर यहाँ पर प्लेस किया है। इसके अंदर एक ऑक्सिलरी लाइट, दूसरी, तीसरी एसी, फिर ऐसे रेडिएटर का, फिर ऐसे अपनी और ऑक्सिलरी लाइट्स के लिए स्विचेस हैं। 6 के 6 ये यूज में ऐसे। तो यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे वोल्ट मीटर, वाटर और आरपीएम के मीटर भी है ना? हाँ बिल्कुल, ये वर्किंग में है, तीनों वही है, वोल्ट मीटर, आरपीएम और वाटर टेम्परेचर। ये आपके साइड पिलर के ऊपर लग जाते हैं और ये देखो अभी आरपीएम देखो नीचे, वाटर अभी टेम्परेचर इतना है। और अब हमारी गाड़ी 12 ऊपर से ये जो अपना ऑल्टरनेटर वो वर्क कर रहा है, 12 से ऊपर निकाल रही है। तो भाई यहाँ पे प्रॉपर 9 इंचेस की टच स्क्रीन भी लगी हुई है, तो पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वो सारा इसमें काम करता है। लैपटॉप वगैरह भी चार्ज करना है तो उसको चार्ज करने का भी प्रोविजन है। तो चार्जिंग सिस्टम यहाँ पे आ गया, ये आ गया इसका 4x4 का लीवर जैसा कि हर जिप्सी में आता है। तो कुछ इस तरीके से दिखती है ये गाड़ी इनसाइड से। यहाँ पे एक छोटी सी लाइट आ गई, ये आ गए आपके एसी के वेंट्स आ गए, देन पीछे वाले जो एसी के वेंट्स है वो यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे गाड़ी में ना पावर विंडोज का भी ऑप्शन है, तो ये भी काफी सही है। और साथ ही साथ गाड़ी में आता है सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम भी। सो यही था इस गाड़ी का एक डिटेल रिव्यू। तो ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। तो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो इसके बाद भी एक और वीडियो आएगी जिसमें कि और गाड़ियां हैं इनकी वर्कशॉप में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे। तो चलते हैं अभी और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राजा मेरी सिटी में, जम्मू मेरी सिटी ब्रो, अच्छे से जाएगा नवाज।